गुड इवनिंग गाइस। तो आज है 23 मार्च, यानी होली का एक दिन पहले, और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तबीयत ख़राब है फिर भी जा रहे हैं क्योंकि लगा हुआ है। तो जा रहे हैं हम अभी, यहाँ से जाएंगे जयपुर, जयपुर से फिर छोटा वाले भाई के साथ गाड़ी में जाएंगे। तो चलते हैं। तो घर से निकल चुके हैं और खेतों में आ चुके हैं, कच्चे रास्ते में जा रहे हैं। आप सीधा जाते हैं जयपुर छोटा वाले भाई के पास, फिर उनके साथ निकलेंगे गाड़ी में। 3-4 दोस्त और हैं तो हम सारे एक साथ जा रहे हैं। तो चलते हैं गाइस, आज खाटू श्याम जी के दर्शन करना है। बहुत पहुँच गए मोजी का अल्टीमा, जो बॉम्बे हॉस्पिटल के रास्ते में पड़ती है। तो हम जा रहे हैं प्रताप नगर, तो वहाँ जाके कमल माई फ्रेंड उसकी कंपनी में गाड़ी खड़ी करनी है, क्योंकि सब वहीं पे वेट कर रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई सब वहीं पे है, तो वहीं पे चलते हैं और उनके साथ गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि तबीयत खराब है तो बाइक से जाना पॉसिबल नहीं है और भीड़ भाड़ भी। तो चलते हैं उनके पास और निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। जय खाटू श्याम। तो हम पहुँच चुके हैं और ये खड़ी गाड़ी, और मैं जा रहा हूँ, कुंदन जा रहा है, और करसन और गोलू और कमल जा रहा है, चार जने जा रहे हैं। तो हम अभी NS रोड पे खड़े हैं, तो आप देख सकते हो बहुत हैवी ट्रैफिक है। तो यहाँ से जाएंगे अब अजमेर रोड पे, अजमेर रोड से होकर फिर सिक्कर रोड पे चढ़ जाएंगे हाईवे से, तो फिर वहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ी पता सिखाई है, भूख लग रही थी, रास्ते में ढाबे पर खाना खाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं अब। प्रेशर पड़ रहा है गाइस, देखो मस्ती हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि गाड़ी में फास्टैग खत्म हो गया था पेटीएम वाला, तो नया लगवाया, तो इस वजह से ये मस्ती हो रही है। यहाँ पे एक उधर गया, राहुल उधर फास्टैग करवा रहा है, ये दोनों मस्ती कर रहे हैं नारंगी से। आ चुके हैं खाना खा लेंगे प्रिंस होटल रेस्टोरेंट मतलब ढाबे पे, और जहाँ पे खाना वाना खाएंगे और मोबाइल को चार्ज करेंगे, चार्ज करके फिर आगे को प्रस्थान करेंगे। भाई खड़ा खड़ा देख रहा है, अंदर आ जाए खाना खाने के लिए, वो वेट कर रहा है हमारा। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं। बैठते हैं इधर टेबल पे, तो खाना खाते हैं फिर चलते हैं। तो सब्जी, मिक्स वेज, दाल फ्राई, सलाद, तवा रोटी, देखो और दाल खाऊंगा। ये आ गया, तो चलते हैं खाना खाते हैं। तो खाना खा लिया, अब चल दिए खाटू श्याम जी के लिए, अब जा रहे हैं आगे। तो चलते हैं, अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। तो गाइस देखो छोटा वाला भाई कितनी मस्ती कर रहा है, जोर जोर से काली थार कर रहे हैं, जोर जोर से करना। तो गाइस ये खाटू श्याम जी का नया गेट बना हुआ है, प्राचीन श्री श्याम मंदिर रिंगस का है गेट है, अभी नया बना है। तो हम ये अंदर घुस गए अभी इसके अंदर, तो खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे हैं। 17 किलोमीटर दूर बता रहे हैं यहाँ से छोटा वाला भाई राहुल। तो चलते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, होटल वगैरह वगैरह सब दे सकते हैं, बाहर जा रहे हैं। हेलो, यहाँ से लेफ्ट लेके पुलिया से नीचे उतर के राम राम होती, कहाँ होती तुम? ये रिंगस का लास्ट, तो अपने करते हैं रिंगस का रोड, खाटू रोड का लास्ट पॉइंट होता है पुलिया से उतर के। यहाँ से जितने भी आपको ये जितने भी झरंडे दिख रहे हैं, निशान बोलते हैं कि यहाँ से श्याम बाबा के दरबार में यहाँ से निशान लेके जाते हैं, जैसे लोग बाग लेके जा रहे हैं। देखिए जो जैसा है वैसा, ये उतर गई रिंगस, उतर गई ये उतर गई जो हाँ, तो मैं तो इसी पे रहता हूँ। काफी जाम लग रहा है क्या? तो
ये देखो सब पैदल यात्री जा रहे हैं निशान निशान लेके। देखो यहाँ पे डीजे चल रहे गाइस, यहाँ पे चाय पी रहे थे और हमारे साथ वाले और आ गए। सब 7 दिन और आ गए बोलेरो लेके, तो सब साथ में दर्शन करेंगे। तो गाड़ी लगा दी यहाँ पे और दोनों गाड़ी लगा दी और अब जूते वूते खोल दिए, रख दिए गाड़ी में और हम सब रेडी हो गए। अब चल रहे हैं, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर तोरण गेट है, तो पैदल पैदल चल दिए हम और जा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से पैदल पैदल और जा रहे हैं सारे सारे, तो चलते हैं। तो गाइस जो सामने दिख रहा है ये है तोरण गेट, खाटू श्याम जी का मेन तोरण गेट, इसको तोरण गेट बोलते हैं। तो हम भी पहले तोरण गेट पर जाएंगे, यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा डांस वांस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम खाटू श्याम जी के, तो चलते हैं आगे तोरण गेट की तरफ। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, इतनी दूर से बहुत प्यारा लग रहा है। तो यही है तोरण गेट, देखो कितनी भीड़ लग रही है, धोज ही धोज दिख रहे हैं, पब्लिक पब्लिक दिख रही है और साइड में से ट्रैफिक और वगैरह है। तो चलते हैं अपन आगे। तो ये आ गया है तोरण गेट, ऐसे सब देखो पता नहीं कहाँ से जाके रंग लेके आ चुके हैं, गुलाल वगैरह, तो सब होली खेल रहे हैं। और क्योंकि आज होली भी हो चुकी है, तो रात के 2:30 बज चुके हैं होली भी, तो अब वो अभी हम यहाँ पे सारे होली खेल रहे हैं, तो होली खेलेंगे फिर आगे जाएंगे। तो ये देखो छोटा रा भाई उधर है और ये सब जैसे कि ओहो युवराज जी मेरे रंग लगा रहे हैं गुलाल, तो ये आपको हाई बोल रहे हैं। तो ये कुंदन आ गया है, कुंदन भी देखो कितना खुश नजर आ रहा है, ये लो मेरे को पीला भूत बना दिया है इन्होंने। तो देखो कितनी बुरी हालत हो गई, माइक पे भी मेरे को डल गया, इस वजह से थोड़ी क्या आवाज़ सही नहीं आती, तो मैंने वॉइस ओवर करी है। तो गाइस देखो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सबके सब रंग में सन चुके हैं, ये देखो कितनी इंजॉय कर रहे हो, ये देखो कैसे रंग वंग उड़ा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। अब मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि मैंने वॉइस अलग से डाली है, क्योंकि वहाँ की आवाज़ पता नहीं क्या हुआ माइक में, तो वो सही नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा वॉइस डाली है। अब हम तोरण गेट से आगे आ चुके हैं, तोरण गेट रह गया पीछे और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। तो चल रहे हैं सारे सारे एक साथ हैं। तो सुनने में भी आ रहे हैं कि पट बंद है, तो देखते हैं पट बंद है नहीं है या दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो सुबह 4 बजे खुलेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी जा रहे हैं वहां पे। तो ये सामने पूरा मार्केट है,
दोनों तरफ मार्केट है, तो हम पैदल पैदल अभी इधर आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं। तो अब पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा हूँ, तो चलते हैं। तो ये धर्मशाला इधर, धर्मशाला ये सामने पेट्रोल पंप है। काफी दिन से कोशिश कर रहा था आने की, पर आ नहीं पा रहा था, तो अब जाके मौका मिला मेरे को यहाँ पे आने का, तो अब आ चुके हैं अपन यहाँ पे। तो चलते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, बहुत खुश। और होली की होली खेल ली, और अपन को रखते मुझे प्रसाद ले लिया है, तीन चार भाइयों ने पैसे लेके भेजे थे उनको, तो उनके प्रसाद चढ़ाने, तो प्रसाद चढ़ाएंगे और प्रसाद लेंगे। पता नहीं कहाँ से लेंगे, आगे से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कोई आइडिया नहीं है अभी, तो प्रसाद लेंगे। तो जितनी भीड़ सोच रहा था उतनी भीड़ है नहीं, उतने श्रद्धालु है नहीं। आज अब देखते हैं आगे क्या होता है, उतनी भीड़ है नहीं है, और अभी तो इतनी भीड़ है नहीं। तो चलते हैं, सब पीछे पीछे आराम से आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, क्योंकि वो मस्ती करते आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा व्लॉग भी बनाना आता था, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं किधर को चलते हैं, कुछ किराया आ गया, किधर को चलेंगे, किधर को चलते हैं, गली में किधर भी घूम जाओ, जाना वहीं पे होता है। किधर से निकलो, देखो गाइस कितना खुला खुला है, कितनी श्रद्धालु नहीं है अभी, अंदर वो मत लियो। तो देखो ये तीन सेट हो गए थे, यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, इधर सब बहुत दूर से है, तो देखो यहीं से चलना है। बोलता हूँ तो गाइस हम आ चुके हैं लाइनों में, तो अब यहाँ से लाइन में होके हम जाएंगे दर्शन करने के लिए अंदर। ओम भाई गॉड, कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, कितने प्यारे तरीके से कपड़ों की झालर टाइप की सजा रखी है इन्होंने, देखो। तो गाइस चलते हैं, आज पूरा मतलब त्यौहार की वजह से, पता नहीं किस वजह से, ये देखो सिर्फ दो या तीन लाइन चल रही है और बाकी की छः सात लाइनें खाली है, मतलब भीड़ बहुत कम है, भीड़ मिलेगी शायद अपन को आगे मंदिर में मिल सकती है। तो चलते हैं आराम आराम से और दर्शन करते हैं। देखो गाइस जो सामने LCD है, इसके अंदर लाइव टेलीकास्ट होता है, जो श्याम बाबा की छवि मूर्ति है उसको लाइव दिखाया जाता है, तो अपन यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो सामने LCD लग रही है, इसके अंदर लाइव दर्शन है, तो अपन को अपनी आँखों से लाइव दर्शन करना है, तो अपन चलेंगे आगे। तो हम लाइनों में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसे तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, फिर भी आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, घर जाने की भी जल्दी नहीं है, हमें आराम से दर्शन करना है। तो गाइस चलते हैं, भोले खाटू वाले नरेश की जय। तो हम जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं सारे के सारे, तो चलते हैं दर्शन के लिए। तो गाइस हमें भीड़ यहाँ के मिली है जस्ट मंदिर के एंट्री गेट पे। तो गाइस मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा पूरा लाइव दिखाने की, ताकि आपको खाटू बाबा के, श्याम बाबा के लाइव दर्शन हो सके। ऐसे तो LCD में दर्शन हो रहे थे, पर मैं आपको मेरी आंखों के जरिए और इस मोबाइल कैमरा के जरिए आपको लाइव दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। हम घुस सके सिंगल लाइन में, तो जस्ट श्याम बाबा के सामने, तो बोल जय श्याम बाबा की जय। तो अभी आपको दिखा दो, सामने गार्ड साहब है, मोबाइल शायद मुश्किल ही चलाने दे, और आपके लिए कोशिश करूँगा, तो आप लाइव दर्शन करो। ये देखो मैं हाथ ऊपर करूँगा, ये लो ये कर दिया, तो दर्शन करो, बोल खाटू वाले श्याम बाबा की जय। तो गाइस गार्ड ने मना कर दिया था, तो मैं आ गया बाहर, और जितनी कोशिश हुई उतना दर्शन कराया मैंने आपको, तो चलते बाहर। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत मजा आया, और हमारी सुन ले श्याम बाबा, तो देखते हैं, हमने हमारा काम कर दिया, श्याम बाबा अपना काम कर देगा।
दर्शन कर लिए, क्योंकि भीड़ इतनी है नहीं कोई खास स्वामी, तो अभी अपन थोड़ा सा यही रेस्ट करते हैं मैंने, क्योंकि भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, देखो बहुत कम भीड़ है, नहीं तो इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। वो खुले दर्शन हुए बड़े मजे से हुए, आपको भी दिखाया, कोशिश करिए आपको पूरा दिखाने की। मोबाइल अलाउ नहीं था, कहीं अलाउ किसी को अलाउ कर रहे थे किसी को नहीं कर रहे थे, फिर पूरा दिखाने की कोशिश की। थोड़ा सबका वेट करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर की तरफ भीड़ बढ़ती हुई, तो अपन घर के लिए कुछ तो लेकर फिर घर निकलेंगे, देखते हैं क्या ले बच्चों के लिए। तो एक नाश्ते भी लग गया, नाश्ता उसका कम रखा रखा था, चलते हैं। तो भाई कुछ नए सब्सक्राइबर मिले, इन्होंने आज सब्सक्राइब किया यहाँ पे। तो भाई कहाँ से हो? नारनौल, हरियाणा से, हरियाणा से आए। तो बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, थैंक यू ब्रो। तो गाइस श्याम बाबा इनकी भी मनोकामना पूरी करे जो यहाँ मनोकामना लेके आए हैं, तो जय बाबा री चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से निकाला जाता है वीडियो के लिए। ये देखो ये इनका मार्केटिंग देखो, बेचने के लिए मनमोहक। पैदल पैदल जा रहे मार्केट से निकलकर कुछ निया के लिए और रिया के लिए कुछ लेते हैं, खिलौने वगैरह कुछ समझ में नहीं आया, बहुत महंगा लगा रहे थे तो कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है, फिर कुछ मिलेगा ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे। ठीक है चलते हैं। तो भैया की दुकान पे आ चुके हैं, यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद घर के लिए। तो एकदम ताजा पेड़े लेने हो तो भैया की दुकान देख लो, एकदम शुद्ध। तो हम ले रहे हैं पेड़े, दिखाते हैं आपको। तो श्री साला सर स्टार भंडार, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे अक्सर छोटा भाई यहीं से मिठाई उठाई लेता है। तो हम ले रहे हैं पेड़े, तो ये वाले पेड़े ले रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं तोरण गेट की तरफ वापिस, दर्शन करके मंदिर से श्याम बाबा के। तो अब जा रहे हैं हम घर, तो थोड़ा तोरण गेट पे रुकते हैं, थोड़ा एंजॉय एंजॉय करते हैं और मजे लेते हैं। देखो सबके सब अभी भी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, देखो डीजे चल रहा है और नाच रहे हैं सब। तो अपन भी थोड़ा नाचते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे डांस वांस कर लिया है और बहुत मस्ती करी, बहुत मौज करी और बहुत आनंद आया। तो हम तोरण गेट से अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, पार्किंग में, जहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ चलते हैं और पार्किंग में गाड़ी में बैठते हैं। जब तक छोटा वाला भाई वगैरह डांस कर रहे हैं वो आ जाएंगे, अपन चल के पार्किंग में जूते वूते पहनते हैं और रेडी होते हैं, थोड़ा सा मुंह साफ करते हैं। ये देखो बंदर कैसे कर रहा है, ये बंदर इधर मुंह कर रहा है। तो चलते हैं, हम दोनों ही आए हैं और सब पीछे रह गए, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अब घर की तरफ, तो चलते हैं, थोड़ी देर आराम करूँगा फिर आपको आगे दिखाऊंगा। गाइस मेरी आंख लग गई थी 20-25 मिनट, तो हम पहुंच चुके हैं मुरलीपुरा, तो अब जा रहे घर की तरफ। तो गाइस मैंने आपको पूरी तरह अच्छा दिखाने की कोशिश किया, तो आज के लिए बस इतना ही, दिखाएंगे कुछ और नया लेके। बाय बाय, सी यू।